माफिया से होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चोलिस्तानी कढ़ाई, बहुत मजे की, बहुत शानदार बनने वाली है ये। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी हमने ऑयल गरम कर लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून डालेंगे हम भर के अदरक का, 1 टेबल स्पून डाला है लहसुन और 1 टेबल स्पून डाला है अदरक। ठीक है, अब हम दोनों को लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 किलो चिकन और अच्छे से इसको अदरक लहसुन में भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो जो हमने 2 पीसों में काट लिए हैं। ढक कर पकने के लिए रख देते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। पहले हम थोड़ा नमक डालेंगे, बाद में हम चेक कर लेंगे कि नमक कम है या ज़्यादा, वो अकॉर्डिंगली आप फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भरकर सूखा धनिया, पिंच ऑफ अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। हम शामिल करेंगे साबुत धनिया, जीरा पाउडर। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे दही 4 टेबल स्पून। अब हम दूसरी साइड पर अपना कोयला रख देंगे ताकि वो अच्छे से सुरख हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन होने वाली है। हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, उन डालेंगे पिसी हुई इलायची, इसमें शामिल करेंगे हम जूलियन कट अदरक, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे लेमन, थोड़ा सा स्क्यूज कर दें बस। अब हम अपना जो कोयला रखा था वो रख देंगे। आए हाय क्या हो गया, जी माय व्यूअर्स कि आप देख सकते हैं मैंने कहा चलें आपके सामने चपाती भी डाल देते हैं ताकि हम अच्छी सी अपनी कढ़ाई टेस्ट कर सकें। जी वेलकम बैक माय व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बहुत सी यमी लजीज सी चोलिस्तानी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हमारा हो गया टेस्टिंग टाइम। तो जनाब अब हम इसे करते हैं टेस्ट। तो हमने थोड़ा सा ले ली है ग्रेवी, थोड़ी सी ले ली है हमने इसकी बोटी। तो हम अब इसको करते हैं टेस्ट। तो ओहो हो मज़ा आ गया जनाब, क्या ग्रेवी है। सच में बहुत आला, मस्ट ट्राई, सच्ची कह रही हूं, पैसे वसूल हो जाएंगे चीजों के। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।